नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। एनसीपी में खींचतान के बीच राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र आव्हाड ने दिया इस्तीफा। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत में हुई सुनवाई। मुंबई वाई चौहान सेंटर में एनसीपी की बैठक, शरद पवार, अजीत, सुप्रिया सुले सहित कई नेता होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में 12 स्थानों पर मारे गए छापे, आतंकवाद के वित्त पोषण का मामला। दिवालिया होने के कगार पर गो फर्स्ट, 3 और 4 मई को नहीं उड़ेंगे विमान, डीजीसीए ने दिया नोटिस। अतीक और अशरफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, पहली गोली में ही हो गई थी मौत। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी, पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चार्जशीट की दायर। आपराधिक गैंग से जुड़े लोगों पर दिल्ली हरियाणा में 20 जगहों पर द्वारका पुलिस की छापेमारी। चीन के यूनान प्रांत में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.2 नापी गई तीव्रता। और दी केरल स्टोरी पर चली सेंसर बोर्ड की कैची, बदले गए डायलॉग्स, हटाए गए 10 सीन, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से किया इनकार।